तो अगर आप सस्ता और बढ़िया एलईडी टीवी लेने के लिए सोच रहे हो जो आपके बजट में फिट हो जाए, तो वो है मी टीवी 4C प्रो। वो क्यों है इस वीडियो में आपको बताऊंगा और उसकी अनबॉक्सिंग और उसका रिव्यू भी देने वाला हूं। तो मी टीवी 4C प्रो अगर लेना चाहते हैं या फिर लेने के लिए सोच रहे हैं या फिर लेना भी नहीं सोच रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा क्यों वो आपको लेना चाहिए। तो अगर आप भी देखना चाहते हैं पूरी डिटेल्स, तो इस वीडियो के एंड तक देखते रहिए। तो अगर आप घूमते फिरते पहली बार हमारे चैनल पर आ गए हैं, तो आपको बता दूं मेरा नाम कुलभूषण है और आप देख रहे हैं के वर्ल्ड। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मी टीवी 4C प्रो जो वो मिलता है, वो आपको मिलता है 15,000 का, लेकिन सेल वगैरह के टाइम पर आपको लगभग से 12,500 का भी मिल सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको बैंक्स के ऑफर मिलते हैं और अमेजोन पे की तरफ से भी ऑफर्स मिलते हैं, तो लगभग आपको 12,500 का भी पड़ सकता है। तो अगर आपको इसको खरीदना है ऑफर में या फिर सेल में, तो अभी भी सेल चल रही है, तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे, आप वहां से जाकर इसको डायरेक्टली खरीद सकते हैं। तो जाओ यार, जाकर खरीद लो अगर आपको पसंद आता है तो। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इसके स्पेसिफिकेशंस दे देता हूं। तो इसमें आपको 1GB की रैम मिलेगी और 8GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी, और ये टीवी जो है वो आपका एंड्रॉयड टीवी है, इसमें आपको एंड्रॉयड 8.1 मिलेगा और फ्यूचर में आपको डेफिनेटली सारे अपडेट्स मिलेंगे, रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे, और इसमें आपको पैच वॉल का भी सपोर्ट मिलता है। मतलब उसमें आपको बहुत सारे टीवी सीरियल्स वगैरह जो होते हैं और जितने भी ओरिजिनल कंटेंट होते हैं, मूवीज़ होते हैं, वो सभी आपको एक ही आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे और सारे आप कंटेंट एक जगह से देख पाएंगे। और आपको एंड्रॉयड लॉन्चर तो डिफ़ॉल्ट इसमें मिलता ही है, और इसमें आप कोई सी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसा अपने स्मार्टफोन में यूज़ करते हैं और वैसे इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको यूट्यूब वगैरह सब कुछ आपको जो आपका स्मार्टफोन में होता है एंड्रॉयड टीवी में, वही आपको इसमें मिलेगा। तो बस अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग और इसका एक रिव्यू दे देता हूं। तो ये रहा बॉक्स। बॉक्स पे कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको HD मिलेगा, पैच वॉल मिलेगा, DTS HD का सपोर्ट मिलेगा, HDMI मिलेगा, Wi-Fi मिलेगा, ब्लूटूथ मिलेगा, गूगल असिस्टेंट मिलेगा, गूगल प्ले सर्विस आपको इसमें इनबिल्ट मिलेगी, और क्रोम कास्ट भी आपको इसमें इनबिल्ट मिलेगा। और आपको बता दूं, आपको ये खुद बॉक्स ओपन नहीं करना है, इसका इंस्टॉलेशन करने आएगा तो वो अपने आप इंस्टॉल करेंगे, वरना आपकी वॉरवाइड हो जाएगी। तो अगर आप वारंटी में रखना चाहते हैं तो बॉक्स को खुद ओपन मत करना। और इसकी रेटिंग की बात करूं तो इसमें बी रेटिंग जो है वो इसकी 4 स्टार है, और 58 यूनिट पर ईयर आपकी ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। और साइड में इसके प्राइस वगैरह दे रखा है, तो मॉडल नंबर दे रखा है, प्राइस इसके MRP जो रख रखे है वो 17,000 लिख रखे हैं, लेकिन आपको 15,000 ऑनलाइन में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसका वेट लिखा है 4 किलो, तो 4 किलो काफ़ी हल्का है और दिखने में काफ़ी कमाल का लगता है, तो बहुत ही लाइट वेट टीवी है और मुझे दिखने में काफ़ी अच्छा लगा है। तो बॉक्स के ऊपर आपको मिलता है इसका टेबल माउंट, और साइड में आपको 2 टेबल माउंट के स्टैंड मिलेंगे, मतलब एक लेफ्ट और एक राइट, और इसमें आपको बीच में रिमोट रखा हुआ मिलेगा, तो इसको भी रखते हैं साइड में और इस टेबल माउंट को भी बाहर निकाल लेते हैं, तो इसको भी हम इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो ऊपर की थर्माकोल शीट भी हटा लिया, और अंदर हमारा LED टीवी रखा हुआ मिलेगा, और यूज़र मैनुअल भी है, वो भी मैंने निकाल लिया। तो ये रहा हमारा टीवी, तो टीवी भी हमारा बाहर निकल चुका है। तो बॉक्स के अंदर अब कुछ नहीं बचा है, तो ये रखा हमारा टीवी, और साइड में और दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ दिखाने लायक नहीं है, सिर्फ इसके पोर्ट्स दिखाने लायक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर एक जो है वो आपको इंटरनेट का पोर्ट मिलेगा, यहाँ पर आप इंटरनेट केबल लगा सकते हैं, और 3 आपको AV पिन मिलेगी, AV वाली जो 3 पिन होती है वो लगा सकते हैं, 3 आपको HDMI पोर्ट मिलेंगे, 2 आपको USB पोर्ट मिलेंगे, और 1 आपको एंटीना वाला पोर्ट मिलेगा, और 1 आपको ऑडियो आउटपुट का 3.5mm ऑडियो जैक भी मिलेगा। नीचे आपको स्टीरियो इफेक्ट के लिए 2 10-10 वॉट के स्पीकर दिए हुए हैं, और इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पर आपको टेबल माउंट के लिए जगह दे रखी है, तो एक स्टैंड यहाँ लगा सकते हैं और एक राइट और लेफ्ट, इस तरह से आप 2 लगा सकते हैं। दूसरी साइड भी आपको स्पीकर मिलेगा, ताकि आपको स्टीरियो इफेक्ट का मज़ा ले सकें, और बीच में आपको एक पावर बटन भी मिलता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और नीचे आपको इसकी एक LED लाइट भी मिलती है। और इसके साथ आपको वॉल माउंट नहीं मिलेगा, वॉल पर अगर माउंट करना चाहते हैं अलग से स्टैंड लेना पड़ेगा, जो कि आपको 400 रुपये का मिलेगा, तो आप इसको भी ले सकते हैं। और इसके अंदर यूज़र मैनुअल दे रखा है, इसके बारे में दे रखा है, इसके पोर्ट्स के बारे में बता रखा है, और इसके बारे में आपको इसके रिमोट के बारे में बता रखा है, और आप इसको टेबल पर कैसे माउंट कर सकते हैं वो भी इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। साथ में आपको स्क्रूज मिलेंगे, आप इनको टेबल माउंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और रिमोट काफ़ी इसका छोटा सा और नन्ना सा मुन्ना सा है, और दिखने में काफ़ी लाइट वेट है और दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसमें बहुत कम बटन है, पावर बटन मिलेगा, माइक का बटन, आपको इसका असिस्टेंट बटन है गूगल असिस्टेंट, और नेविगेशन का बटन मिलेगा, बैक का बटन मिलेगा, वॉल्यूम अप डाउन, और इसमें आपको 2 लॉन्चर मिलते हैं, मतलब 2 होम स्क्रीन मिलते हैं, एक तो पैच वॉल की और एक इसकी गूगल की। तो ब्लूटूथ रिमोट है, आप इसमें आपको IR का सपोर्ट नहीं मिलता, आप कहीं भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। ऊपर आपको माइक मिलेगा, ताकि आप वॉइस से कमांड दे सकें, और इसके अंदर सेल डलता है, तो आपके इसके साथ सेल नहीं मिलेंगे, आपको अलग से लेने पड़ेंगे, तो आप इसमें छोटे वाले सेल डालकर इसको यूज़ कर सकते हैं।
और अब हमारी ये रही एलईडी। तो ये मैंने बूट कर दिया तो इसमें मी का लोगो दिखेगा और इसमें आपको एंड्रॉयड की ऑफिशियल आपको बूटिंग एनिमेशन मिलेगी जो आपको एंड्रॉयड फ़ोन में मिलती है जो कि स्टॉक एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं। तो बूट एनिमेशन काफ़ी अच्छी लगती है, दिखने में काफ़ी कलरफुल है और यहाँ पर आपको कलर्स नहीं दिख रहा है क्योंकि ISO जो है वो थोड़ा हाई हो रहा है, इस वजह से आपको कलर अच्छे नहीं दिख रहे हैं। और ये रही स्क्रीन, तो होम स्क्रीन इसकी गूगल वाली दिखती है। तो वॉइस असिस्टेंट का ऑप्शन दे रखा है और टाइप करके सर्च करने का और इनपुट का भी आपको ऑप्शन मिलता है सबसे ऊपर, और यहाँ पर आपको साइड में सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है। तो अब हम इसको सेटिंग्स को खोल लेते हैं। तो सेटिंग्स में ऊपर नेटवर्क मिलता है, नेटवर्क में आपको वाईफाई मिलेगा तो आप अपने टीवी को वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम जाते हैं बैक, और यहाँ पर बैक में आपको इनपुट मिलेगा, इनपुट वही है आपका HDMI, और इनको आप रीनेम कर सकते हैं और अपना खुद का नाम भी दे सकते हैं जो आपको रखना है वो। और यहाँ पर आपको गूगल कास्ट मतलब क्रोम कास्ट का इनबिल्ड सपोर्ट दिखा रखा है और इसका अबाउट वगैरह दे रखा है। साउंड आपको इसमें मैनुअली आप एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा मन चाहे वैसा कर सकते हैं, मैनुअल का भी इसमें आपको सपोर्ट मिलता है। पिक्चर जो है उसमें भी आपको सपोर्ट मिलता है, किसी भी तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। कस्टम का भी सपोर्ट मिलता है, मैनुअली भी इसको सेट कर सकते हैं। और इसमें आपको एप्स का सपोर्ट मिलेगा, आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब एंड्रॉयड की एप्लीकेशन APK फाइल जो होती है वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और चाहे तो इनके गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। स्क्रीन सेवर है, स्टोरेज है, स्टोरेज आपको टोटल 8GB है जिसमें से आपको 4.7GB यूजेबल है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं ऐप्स वगैरह इंस्टॉल करने के लिए। हालांकि आप इसमें पेन ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क वगैरह लगा सकते हैं बाकी अपने मीडिया को स्टोर करने के लिए। इसमें अबाउट मिलता है जैसा कि आपको एंड्रॉयड स्मार्टफोन में मिलता है, और इसमें आपको सिस्टम अपडेट का भी ऑप्शन मिलता है, तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे इसमें और आप इसको सक्सेसफुली अपडेट कर पाएंगे। और नीचे आपको इसका एंड्रॉयड वर्जन जो मिलता है वो 8.1 है। अच्छी बात, इसमें आपको एंड्रॉयड ओरियो का भी सपोर्ट मिलता है। तो बस आपको इसमें बहुत सारे सेटिंग्स मिलते हैं, इसकी मैं आपको सेपरेटली वीडियो बनाकर दिखाऊंगा जिसमें इसके सारे फीचर्स दिखाऊंगा, और एक वीडियो ऐसे बनाऊंगा जिसमें इसके हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड सीक्रेट्स दिखाऊंगा, तो वो वीडियो ज़रूर देखना, बहुत मेहनत करके बनाने वाला हूं। तो अभी मैं रिसर्च कर रहा हूं, धीरे धीरे इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स ढूंढ रहा हूं, और जैसे इकट्ठी हो जाएगी मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और इसमें आपको ब्लूटूथ का भी सपोर्ट मिलता है, तो आप इसमें ब्लूटूथ हेडफोन्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो आपको बता दूं, अगर आप 15,000 में ले रहे हैं तो मी टीवी 4C प्रो ही लेना, मी टीवी 4A मत लेना। इसमें आपको ब्लूटूथ का भी सपोर्ट मिलेगा और इसकी आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिलती हैं। और इसमें ऐप्स दिखाऊं तो ऐप्स इसमें आपको बहुत सारे इंस्टॉल्ड मिलेंगे, और चाहे तो आप इसमें इसके प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका गूगल प्ले स्टोर ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये रहा प्ले स्टोर, इसमें आपको होम, गेम्स, माई एप्स और सेटिंग्स मिलती है। ऊपर आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा, आप वॉइस कमांड के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं या फिर मैनुअली टाइप भी करके सर्च कर सकते हैं। तो टाइप करने में प्रॉब्लम होती है, तो वॉइस असिस्टेंट मुझे इसका काफ़ी अच्छा लगा है। और इसमें आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा यूट्यूब के, जो भी आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा उसका, और आपको ट्रेंडिंग भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आप मैनुअली अपने हिसाब से सेटिंग को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, मूवीज़ जो जो अभी ट्रेंडिंग में चल रही है, जो लेटेस्ट है, और इनको आप अरेंज भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं या फिर इनको हटा भी सकते हैं। तो ये था हमारा गूगल का मेन होम स्क्रीन वाला लॉन्चर। अब मैं आपको दिखाता हूँ पैच वॉल, तो मी के बटन से आप इसका पैच वॉल खुल जाता है। तो ये आपको मी टीवी 4C प्रो में ही ये फीचर मिलता है। तो ऊपर आपको वाईफाई का ऑप्शन मिलेगा, वाईफाई कनेक्ट या फिर डिसकनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं बैक जाता हूँ, यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग मैं आपको दिखा चुका हूँ, और होम, मूवीज, टीवी शोज, म्यूजिक, ओरिजिनल, स्पोर्ट्स किट्स वगैरह आपको यहाँ पर सारे कंटेंट मिलेंगे सभी जगह से इकट्ठे कर। और यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं कोई भी मूवी वगैरह को। यहाँ पर आपको जो भी ट्रेंडिंग है और जो भी नया चल रहा है वो सब आपको दिखाएगा। और यहाँ पर आपका सोर्स है HDMI, TV, AV वगैरह आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। USB लगा रखे हैं तो USB भी आप यहीं से खोल सकते हैं। और नीचे आपको दिखा दो तो नीचे आपके जो भी सेटअप बॉक्स में चल रहा है कंटेंट वो भी आपको दिखा देगा। और अगर आपने सेटअप बॉक्स कनेक्ट कर रखा है वो कैसा ओपन होगा वो भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको सोर्स जो है बस उसमें जिसमें भी आपने कनेक्ट कर रखा है उसे ओपन कर दीजिए और वो आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आपको पता होगा जो LED TV होती है वो 16:9 एस्पेक्ट रेशियो की होती है, और जो TV होता है वो 4:3 का होता है, तो उस वजह से थोड़ा पिसका हुआ सा लगता है। लेकिन इसमें अच्छी बात ये दे रखी है, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं जिस तरह से यूज़ करना है। तो ये इसमें काफ़ी अच्छी सेटिंग दे रखी है। तो यहाँ पर आपको एस्पेक्ट रेशियो का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर फुल स्ट्रेच रहेगा, मतलब ये फिल कर देगा आपकी डिस्प्ले को। और अगर आप इसको ओरिजिनल रेशियो में करेंगे तो ये 4:3 में हो जाएगा। स्मार्ट स्ट्रेच में थोड़ा सा क्रॉप कर देगा, थोड़ा सा स्ट्रेच कर देगा, तो ये अच्छा ऑप्शन है। और जूम में आपका जो 4:3 है मतलब जो इसकी हाइट है वो उतनी कट कर देगा, मतलब क्रॉप कर देगा। समझ में नहीं आया होगा जो समझने वाले। तो अगर आपको डिस्प्ले थोड़ी पिचकी अच्छी नहीं लगती और आप इसको क्रॉप भी नहीं करना चाहते तो स्मार्ट स्ट्रेच आप यूज़ कर सकते हैं। और इसका वॉइस असिस्टेंट भी काफ़ी अच्छा है।
प्ले KK World वीडियो। तो जैसे कि मैंने ये बोला और इसने फटाफट से YouTube पर मेरी वीडियो चला दी है। तो मैंने भी इसको सेल में खरीदा था, लेकिन यार मुझे कुछ नहीं मिला सेल में, मुझे 15,000 का ही मिला और ना इसमें कुछ एक्सटेंडेड वारंटी। मतलब यार मुझे सेल में खरीदने का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, मैंने पहले बीच में एक सेल में लिया था। तो अभी मैंने एक वीक बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो एक वीक एक्सपीरियंस करने के बाद मैंने इसका रिव्यू दिया है। तो आप डेफिनेटली इसको ले सकते हैं, और ये मत सोचना यार HD रेडी है तो इसमें वीडियो क्वालिटी में मज़ा नहीं आएगा, भाई पूरा मज़ा आएगा। लेकिन बस आप को पास में देखेंगे तो पिक्सल दिखने हैं, लेकिन आप टीवी को अगर दूर से देखें तो बहुत ही आपको क्लियर दिखेंगे और बिल्कुल आपको मज़ा आ जाएगा, आपको नहीं लगेगा कि भाई HD स्क्रीन है तो इसमें क्वालिटी लोगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप दूर से देखो, क्योंकि 32 इंच की LED टीवी थोड़ी छोटी होती है, लेकिन आप उसको थोड़ा सा दूर से देखें तो बढ़िया दिखेगी, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी और टेक्स्ट जो है वो काफ़ी क्लियर आपको दिखेंगे। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से जाकर Amazon से इसको खरीद सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इसे लाइक कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, इसको शेयर कर दो, कोई प्रॉब्लम या फिर सजेशन हो तो नीचे कमेंट कर दो, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ।